हे hey, नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना हूँ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आप परचेज कर सकते हैं 10,000 के प्राइस रेंज के अंदर जनवरी 2020 के महीने में। तो ये बेस्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं 10,000 के प्राइस रेंज के अंदर। तो इस वीडियो को देखते रहना, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जो आज का सबसे पहला मोबाइल है दोस्तों और सबसे बेस्ट मोबाइल है दोस्तों जो कि आप 10,000 के अंदर के प्राइस के अंदर परचेस कर सकते हैं, वो है यहाँ पर रेडमी नोट है दोस्तों। काफी अच्छा मोबाइल, अगर मैं बोलूंगा दोस्तों, अगर आपका 10,000 का प्राइस है दोस्तों और आपको रेडमी का एक फोन खरीदना है 10,000 के प्राइस के अंदर, तो रेडमी नोट है दोस्तों काफी अच्छा फोन है, बेस्ट फोन है दोस्तों 10,000 के अंदर आप परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों। इसलिए नंबर वन पे जो है पर रेडमी नोट है दोस्तों। इसके स्पेसिफिकेशन को जो आपको बता देता हूं दोस्तों, जो आपको 10,000 में वेरियंट देखने को मिलता है वो है यहाँ पर 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला। ये दोस्तों इसका फ्लिपकार्ट में थोड़ा प्राइस ज़्यादा दिखा रहा है, इसलिए अमेजन पे आप यहाँ पर प्रीफर करना दोस्तों। अमेजन में 10,000 का मिल रहा है लेकिन फ्लिपकार्ट में इसका जो प्राइस है दोस्तों थोड़ा हाई दिखा रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पर प्राइस डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। तो अमेजन में 10,000 का मिल रहा है दोस्तों, फ्लिपकार्ट ज़्यादा का है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ऑफर भी है दोस्तों। ICICI बैंक से खरीदते तो 750 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों रेडमी नोट 8 पर। 750 मतलब आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। 10,000 के अंदर काफ़ी अच्छा मोबाइल है दोस्तों, 4GB की रैम मिलती है, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है और यहाँ पर इसके कलर ऑप्शन भी आपको मिलते हैं दोस्तों, ब्लू कलर या फिर दूसरे अलग भी कलर है, आपको अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो इसमें आपको जो क्वाड कैमरा देखने को मिलता है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का जो है यही क्वाड कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि इसमें आपको वाइड एंगल लेंस या फिर माइक्रो लेंस इस तरह के लेंस भी मिलते हैं दोस्तों। 48 मेगापिक्सल का जो यहाँ पर प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर आपको मिलता है दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिलता है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस के रेंज में बात कर ले तो 4GB रैम के साथ। और मेमोरी की बात कर ले तो 4GB रैम 64GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है, एक्सपेंड भी आप कर सकते हैं 512GB तक, मतलब दो सिम एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। OS की बात कर ले तो यहाँ पर एंड्रॉइड 9 पाई आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, डुअल सिम प्लस डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, और फ्लूइड डिज़ाइन आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा, यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच भी इस मोबाइल में देखने को मिलेगी दोस्तों। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है मोबाइल का, पीछे क्वाड कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पर एक फ्लैश LED फ्लैश भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं, फ्रंट कैमरा आपको जो है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 4000 mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी के साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का जो है यहाँ पर फ्रंट एंड बैक आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और बात कर ले तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और AI फेस अनलॉक जो है आप इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ इसके हाईलाइट स्पेसिफिकेशन दोस्तों, 10,000 के प्राइस के अंदर काफी अच्छा मोबाइल है, आप ये जो है परचेस कर सकते हैं। तो बड़े चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट मोबाइल की तरफ। तो जो नेक्स्ट मोबाइल है जो आप जो है दोस्तों 10,000 के प्राइस के अंदर परचेस कर सकते हो दोस्तों, ये भी काफी अच्छा मोबाइल है दोस्तों रेडमी नोट 8 की तरह, इसमें भी सेम प्रोसेसर आपको मिलता है, रैम भी सेम मिलती है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मोबाइल है जो 10,000 के प्राइस के अंदर आप परचेस कर सकते हैं वो यहाँ पर Realme 5S है दोस्तों। तो ये भी काफी अच्छा मोबाइल है दोस्तों, ये इसका भी डिजाइन काफी अच्छा है, वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलती है, पीछे की तरफ इसमें भी आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, रिलीफ यहाँ पर आपको फ्लैश भी मिलता है, इसके फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलती है 4GB की रैम, 64GB का रोम देखने को मिलता है, एक्सपेंड भी आप कर सकते हैं 256GB तक, मतलब आपको दो सिम एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा, 6.5 इंच की जो है HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी, जो कि आपको Redmi Note में दोस्तों फुल HD प्लस डिस्प्ले थी, इसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का जो है आपको यहाँ पर AI क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें आपको वाइड एंगल लेंस, माइक्रो लेंस इस तरह के लेंस मिलेंगे, और 48 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलेगा, और 13 मेगापिक्सल का जो है आपको फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलेगा, 5000 mAh की इसमें बैटरी है दोस्तों, बैटरी काफ़ी अच्छी दी गई है यहाँ पर, 5000 mAh आपको काफ़ी देर तक यहाँ पर यूज़ होगा दोस्तों, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का जो प्रोसेसर है दोस्तों, HD प्लस मिनी ड्रॉप डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया गया है, और 48 मेगापिक्सल का यही क्वाड कैमरा तो है मैंने बता दिया आपको। तो ये थे दोस्तों कुछ इसके हाईलाइट स्पेसिफिकेशन दोस्तों, आप खुद आकर किसी भी मोबाइल का स्पेसिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप खुद जाकर जो है स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, रेटिंग चेक कर सकते हैं, और नीचे जो आप जिसने खरीदा है उसके रिव्यू होते हैं वो भी आप जो है चेक कर सकते हैं, तो नीचे लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप जाकर जो आप चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट मोबाइल है जो आप 10,000 के प्राइस के अंदर परचेस कर सकते हैं वो यहाँ पर Realme 3 Pro दोस्तों, जिसमें आपको 64GB और 4GB वाला वेरियंट जो है 10,000 के प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छा मोबाइल है दोस्तों, इसमें आपको डुअल कैमरा ही देखने को मिल जाएगा,
तो इसके कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी ऑटो टॉप नॉच आपको देखने को मिलती है। पीछे की तरफ डुअल कैमरा, एलईडी फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इसमें मिलेगा दोस्तों 4 GB रैम, 64 GB का रोम देखने को मिलेगा। एक्सपेंड भी आप कर सकते हैं 256 GB तक। 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। 16 MP प्लस 5 MP का डुअल कैमरा आपको जो है रेयर में देखने को मिलेगा। 25 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। 4045 mAh की जो है बैटरी देखने को मिलेगी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टाकोर 2.2 GHz का AI प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा प्रोसेसर है दोस्तों 710। जबकि रेडमी नोट 8 में आपको 665 का स्नैपड्रैगन 665 का मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको प्रोसेसर अच्छा खासा मिलता है, लेकिन इसका कैमरा दोस्तों थोड़ा एवरेज है, इसलिए मैंने इसे तीसरे नंबर पर रखा हुआ है यहाँ पर। और डुअल नैनो सिम स्लॉट एंड मेमोरी कार्ड का मतलब 2 सिम एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। ओक फ्लैश चार्ज 3.0 भी इसमें मिल जाएगा दोस्तों। तो फास्ट चार्जिंग भी मोबाइल जो है सपोर्ट करता है दोस्तों। और कुछ यहाँ पर थोड़े दिए गए जैसे कि स्पेसिफिकेशन, हाइपर बूस्ट 2.0 यहाँ पर है दोस्तों, इसमें ओक चार्ज 3.0 है दोस्तों। और 960 फ्रेम्स पर सेकंड सुपर स्लो मोशन वीडियो आप इसमें जो है बना सकते हैं। और यहाँ पर 3D स्पीडवे डिज़ाइन आपको इस मोबाइल में मिलता है दोस्तों, जो कि आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 10,000 के प्राइस के अंदर आप इसे भी जो है परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फोन है वो है दोस्तों सैमसंग लवर्स के लिए दोस्तों। सैमसंग का जो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M30 जो आपको मिल जाएगा दोस्तों 9,500 रुपये में, यहाँ पर 9,500 रुपये में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और अभी हम अमेजोन से परचेस कर सकते हो, तो ICICI बैंक पे आपको 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पे। तो अभी आप परचेस करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों अमेजोन पर। तो 9,500 रुपये में आपको अच्छा खासा मोबाइल मिलता है दोस्तों। इसमें आपको 3 GB की रैम मिलती है, 32 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है दोस्तों। सबसे मेन इसकी बात करें तो 5000 mAh की जो बैटरी और सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है दोस्तों। अमेजॉन सैमसंग के डिस्प्ले काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों, मुझे भी सैमसंग के डिस्प्ले जो है काफ़ी पसंद है दोस्तों। जो उसके अभी नए मोबाइल में आते हैं दोस्तों कवर डिस्प्ले, वो तो देखने में काफ़ी अच्छे जो है दिखते जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा मोबाइल है दोस्तों, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। वाटर ड्रॉप नॉच आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। पीछे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, LED फ्लैश देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो 9,500 में सैमसंग के मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले जो सैमसंग फिंगरप्रिंट सेंसर अपने मोबाइल में नहीं देता था, जो कि कम प्राइस के होते थे उसमें। तो इसके कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों। 13 MP प्लस 5 MP प्लस 5 MP का ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है आपको। 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा। 6.4 इंच की फुल HD प्लस कैपेसिटी टच स्क्रीन मिलेगी दोस्तों, जिसमें आपको रेजोल्यूशन मिलेगा 2340x1080 का जो रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। 3 GB रैम, 30 GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 SIM एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड पर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों इसमें। और इसमें अगर प्रोसेसर की बात करें तो एक्जीनोस का 7904 का जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है दोस्तों इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर। और 5000 mAh की जो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी आपको मिलती है दोस्तों, जिसमें फास्ट चार्जिंग की जो सपोर्ट करता है। 15 W का टाइप सी फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों इसके हाईलाइट स्पेसिफिकेशन दोस्तों। सैमसंग का अगर मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो 10,000 के अंदर काफ़ी अच्छी चॉइस है, अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी मोबाइल की तरफ। दोस्तों जो आज का लास्ट मोबाइल है दोस्तों वो है वीवो U20 दोस्तों। ये अगर इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका प्राइस है दोस्तों 11,000 रुपये दोस्तों, 11,000 रुपये में आपको मिलेगा दोस्तों। 10,990 रुपये में यहाँ पर इसका प्राइस है दोस्तों। मोबाइल काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने ये वाला मोबाइल जो यहाँ पर इंक्लूड किया है दोस्तों। अगर आप 1,000 अपना प्राइस जो बढ़ा सकते हैं तो आप ये ले सकते हैं, वरना भी आप अमेजन से परचेस कर सकते हैं। तो आपको 150 रुपये का जो है 1,500 रुपये का जो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर ICICI बैंक से आप लेते हैं तो। या सेल में इसका प्राइस जो है कम होते रहता है, तो इसका प्राइस भी हम जो है देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका प्राइस दोस्तों 10,990 रुपये, 1,000 बढ़ा सकते हैं, तो आप जो है लास्ट वाला मोबाइल ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा मोबाइल है, इसलिए मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसके कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको जो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 16 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का AI ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सोनी का IMX499 सेंसर देखने को मिलेगा दोस्तों। और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जो स्टेबलाइजेशन मैंने इसके वीडियो देखे थे दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टेबल रहता है अगर आप वीडियोज़ बनाती हो तो। और 16 MP का जो है आपको सेल्फी कैमरा इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। 6.15 इंच की आपको डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें आपको रेजोल्यूशन मिलेगा 1080x2340 का जो आपको रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको 4 GB प्लस 64 GB का जो 4 GB रैम और 64 GB का इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाएगा। और एक्सपेंड भी आप कर सकते हैं 256 GB तक। 2 SIM एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 5 वर्जन 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 AI का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी आपको देखने को मिलेंगी। 18 W का
फास्ट चार्जिंग जो है सपोर्ट करता है दोस्तों, और 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, और 1 ईयर की वारंटी वो सब मिल जाती है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी अच्छा मोबाइल है दोस्तों। आप 1000 का सॉरी दोस्तों 1000 का प्राइस अपना इंक्रीज कर सकते हैं, तो 10,990 रुपये में काफ़ी अच्छा चॉइस है दोस्तों। और अमेजन से खरीदते हो तो 1500 रुपये का जो डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों, आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।